सानिया योहन्ना बाद दो अफराद को जिंदा जलाने का केस, मुदई और मुलजिमान के दरमियान सुलह। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत का 40 मुलजिमान को बरी करने का हुक्म। मकतूल नईम और बाबर नुमान के शरई वारसू मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद नवाज और खतीजा बीबी ने अदालत में बयान कलमबंद कराया। 5 साल बाद मुकदमे के मुदईयों ने सुलह की दरख्वास्त जमा कराई। जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस पर फैसला सुना दिया। दो अफराद को जिंदा जलाने के केस में 42 मुलजिमान नामजद हैं, दो जेल में बीमारी के बायस फौत हो चुके हैं। रेंजर्स के अफसरों और जवानों की बहादुरी पर नाज है। सरहदों की हिफाजत के लिए रेंजर्स के अफसरान और जवान गला कदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आमिर मजीद की मुलाकात। सरहदों की हिफाजत के लिए रेंजर्स के अफसरों और जवानों की जुर्रत और बहादुरी की तारीफ।